थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेरे पास जो सैमसंग का मोबाइल था वो किसी और का था, फिलहाल छोटा सा मोबाइल है उससे मैं वीडियोस बनाऊंगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा उसके लिए सॉरी है, आपको अपडेट तो मैं देना चाहता ही हूँ, क्योंकि क्लैरिटी के बिना वीडियो में मज़ा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा आज के लिए सॉरी। देख सकते हो साइन बोर्ड, देख सकते हो यहाँ से जो है स्टेशन का काम चालू होता है, वापिस स्टेशन का, यहाँ से पूरा ज़मीन है, वापिस स्टेशन ही है इतना पूरा व्यूज़। ये तीन पिलर जो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से जो है सिंगल पिलर है इसके आगे, और इधर से जो है तीन पिलर बनना स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो एक दो और तीन। यहाँ से जो है पूरा स्टेशन का व्यूज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है पूरा स्टेशन का व्यू है। आगे जो है वापिस सेलवास का जो मेन रोड है वहाँ तक ये पूरा जाने वाला है, मिनिमम 1 किलोमीटर तो है ही। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ वापी में, जो गुजरात का और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हो बहुत सारे पिलर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अभी ये साइड जो आप बता रहा हूँ ये अहमदाबाद वाली साइड है, और मैं ये वाली साइड आपको बताऊँ ये मुंबई वाली साइड है। मुंबई वाली साइड पर फिलहाल बहुत कम काम है, अभी वहाँ का काम अभी मैं देख नहीं सकता, आगे अगर जंगल ही है, फिलहाल काम स्टार्ट नहीं। अगर मैं अहमदाबाद वाली साइड की अगर बात करूँ, जो बुलेट ट्रेन स्टेशन जो बन रहा है, मैं पिछले वाली साइड पर हूँ, बुलेट ट्रेन जो स्टेशन है वापी का वो आगे वाली साइड पर है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आगे जाके आपको पूरा व्यूज़ बताने वाला हूँ, कितना इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि बुलेट ट्रेन से रिलेटिव आपको न्यू अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स चलते हैं, आज मैं आपको पूरा व्यूज़ यहाँ का बताने वाला हूँ बुलेट ट्रेन स्टेशन का। आगे बुलेट ट्रेन स्टेशन है, कितना व्यूज़ वहाँ पर काम कंप्लीट हुआ है वहाँ का भी मैं आपको व्यूज़ बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर बारिश का भी मौसम हो चुका है, इससे पहले मैं आपको पूरा व्यूज़ बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ शेयर करना ना भूले। चलिए बताते हैं आपको बुलेट ट्रेन। आप ये देख सकते हो यहाँ पर पिलर कंप्लीट हुआ है, इस वाली साइड जो है मुंबई वाली साइड है, और ये वाली साइड जो है वापी का स्टेशन, इसके आगे वाली साइड में वापी का स्टेशन, ये वापी का स्टेशन का पिछला वाला साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बीच में जो एक नहर जा रही है, नहर में से जो पिलर है ना बहुत बड़े बड़े खड़े हुए हैं, इधर अंजर खड्डा है इसके लिए आपको पिलर बहुत सारे बड़े लग रहे हैं। तो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कितना इसका कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी ट्विटर हैंडल पर, जो ट्विटर प्रोफाइल, उसमें न्यूज़ आई थी कि वापी से सूरत तक का 40-50 से पिलर कंप्लीट हो चुके हैं। वो सही बात है, आप देख सकते हो लाइव मेरे साथ में ये जो है पूरे पिलर यहाँ पर कंप्लीट हो गए, बहुत सारे नवसारी में भी कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो आपने नवसारी की नहीं देखी हो तो देख लेना प्लीज़। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ बुलेट ट्रेन की लाइव अपडेट मिलेगी, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है सिर्फ में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ऊपर जो रखा जाता है उसको नीचे ही कंप्लीट करके ऊपर रखते हैं पूरा, आप देख सकते हो ऊपर वाले में। ये छोटी सी नहर है, इसके बाजू में से जा रहा है ऊपर से, आप ये देख सकते हो पिलर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। मोबाइल में यार फिलहाल क्लैरिटी नहीं आएगी, मुझे भी पता है, क्योंकि क्लैरिटी के सिवा मोबाइल वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, उसके लिए थोड़ा सॉरी है। हाँ हाँ, यहाँ पर जो देख सकते हो ये भी पूरा पिलर कंप्लीट हो चुका है, ऊपर अभी भरने का फिलहाल बाकी है, ऊपर अभी काम कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जो है पिलर कंप्लीट हो चुका है, आप ये देख सकते हो आगे, ये वाला भी पिलर अभी भरने का बाकी है। ये जो है
इसका ये वापस स्टेशन का फर्स्ट पिलर है जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे सारे पिलर कंप्लीट होने का काम चालू है, देख सकते हो ये भी। सो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर पिलर्स बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं, इतने तक सारे कंप्लीट हो गए। ये ऊपर वाला जो है पहला ही कंप्लीट हुआ है, इसके आगे सब कंप्लीट होना चालू ही है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ बुलेट ट्रेन स्टेशन का वर्क कितना हुआ है, तो मैं चलिए वहाँ से मैं आपको जाके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आपको ये इधर अंदर जो है डुंगरी गांव है, डुंगरा गांव है, अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि सेफ्टी प्रॉब्लम है। मैं आपको वहाँ पर जाके व्यूज़ बताता हूँ डुंगरी गांव के अंदर से। चलिए खड़ा हूँ डुंगरा गांव के बीच में से जो है बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर जा रहा है। आप देख सकते हो ये वाली साइड में ये सब गाँव है, छोटे छोटे घर हैं इन लोगों के। ये वाली साइड में भी आप देख सकते हो घर ही है। अब इनके बीच में से जो है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निकली, यहाँ पर भी बहुत सारे घर थे, वो भी उनको मुआवजा देकर हटा दिया गया है। अभी इसमें से जो है बहुत वर्क चालू हो चुका है, और मेरी बैग्स वाली साइड पर भी आप देख सकते हो बहुत सारा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। मैं आपको आगे जो बताता हूँ बुलेट ट्रेन में क्लैरिटी इतनी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास जो पहले सैमसंग का मोबाइल था वो मेरा नहीं था, वो दूसरे का था, इससे मैं वीडियोज़ बनाता था। बट अभी मेरे पास थोड़ा छोटा मोबाइल, इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। बट सॉरी उसके लिए, मैं कुछ इसका एडजस्टमेंट करूँगा क्लैरिटी लाने के लिए मोबाइल, क्योंकि क्लैरिटी से है जो है वीडियो का इंटरेस्ट बढ़ता है। सो इसके लिए सॉरी, दो चार वीडियोस में इसी मोबाइल से बनाने वाला हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे पिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं, नीचे से फुटिंग सारे वीडियोस की कंप्लीट। यहाँ से जो है आप इस वाली साइड पर आप देखोगे तो सिंगल पिलर ही है, और इधर से जो है तीन पिलर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टेशन का भाग यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ से जो है वापस स्टेशन का भाग यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ से लगभग एक किलोमीटर तक जो है बनने वाला है वापस स्टेशन। आप देख सकते हो कितना बड़ा पिलर है, तीन पिलर बनने वाले हैं इसके नीचे। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक तीन पिलर है, एक दो और वो वाला तीन। यहाँ से सारे तीन पिलर ही कम्प्लीट हो जाएंगे। सारी फुटिंग्स कंप्लीट है, ऊपर वाला जो है ऊपर भी पूरा कंप्लीट है, खाली भरने का भी स्टार्ट होगा थोड़े दिनों के बाद। अभी मैं आगे आपको जा नहीं सकता हूँ, उधर से मैं आपको बताने वाला हूँ कितना इसका काम हुआ है। आगे स्टेशन ही है, ये पूरा यहाँ से स्टेशन ही है, तीन तीन पिलर पे बनने वाला है। चलिए चलते हैं, मैं आगे मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी पहुंच चुका हूं वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन के साइड पर। मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हो वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन का वर्क ही है, जो पूरा साइड है ये वापी का बुलेट ट्रेन स्टेशन ही है। यहां पर जो है पूरा स्टेशन बनने वाला है एक किलोमीटर के दायरे पर। सो फ्रेंड, चलिए मैं आपको यहाँ का पूरा व्यूज़ बताता हूँ। आप ये देख सकते हो यहाँ से जो है पूरा वर्क पिलर जो है कम्प्लीट होने का स्टार्ट हुआ है। आगे पूरा पिलर कम्प्लीट हो चुका है, वहाँ पर मैंने आपको वीडियोज़ बताए हैं, वहाँ पर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे मैं आपको बताऊं, ये जो है स्टेशन है, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो तीन पिलर स्टार्ट हुए बनने का, यहाँ से पूरा स्टेशन का वर्क चालू होने वाला है एक किलोमीटर। तो वहाँ जो है सेलवास वापी का जो मेन रोड है, वहाँ से जो है लास्ट उसका है मिनिमम एक किलोमीटर तक का है। ये देख सकते हो यहाँ पर जो है तीन तीन पिलर है, यहाँ से जो कम्प्लीट है यहाँ से स्टार्ट है स्टेशन का वर्क, यहाँ से जो है सिंगल पिलर है। इसके बाद जो है ये पूरा यहाँ से तीन पिलर कंप्लीट होते हुए जाएगा स्टेशन के लिए। ये जो है स्टेशन का व्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा स्टेशन बनने वाला है यहाँ तक, वापी वाला जो सेलवास वाला मेन रोड है वहाँ तक की। अभी मैं फ़िलहाल जहाँ पर खड़ा हूँ वो बिल्डिंग भी मिनिमम स्टेशन के दायरे में ही आती है। थोड़े दिनों के बाद ये स्टेशन का वर्क पूरा कम्प्लीट होगा, उसके बाद ये बिल्डिंग को भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसका क्या होने वाला है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। ये फिलहाल ये छोटा सा गाँव है डुंगरा, जो गांव है ये डुंगरा गांव के बीच में से ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर यहाँ से निकला है। आगे वाले साइड जो है मुंबई साइड है, अभी वो मुंबई साइड में कितना वर्क हुआ है अभी वो फ़िलहाल जंगल में है, इसके आगे मैं जा नहीं सकता, अगर मैं जाऊँ तो कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो उस वाली साइड से मैंने आपको पूरा वीडियोज़ बना के दिखाया है, ये वाली जो पूरी साइड है यहाँ पर स्टेशन बनने वाला है। और आपको मैं बता दूँ ये पूरा स्टेशन वाला ही साइड है, इसके आगे भी काम कंप्लीट है, वहाँ पर जो है वापिस सेलवास का जो मेन रोड है वहाँ तक जो है स्टेशन का वर्क पूरा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ
वापिस सेलवास का जो मेन रोड है, हाईवे रोड है, यहाँ पर जो है बुलेट स्टेशन का कास्टिंग यार्ड है। आप पूरा देख सकते हो मेरे बैक साइड में, ये जो पूरा है पूरा कास्टिंग यार्ड है। मैं आपको साइन बोर्ड पहले बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर थे, वो मुझे पूछते हैं कि हाँ ये सही में जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का स्टेशन है या तो फिर कॉरिडोर है, तो उनको पहले मैं एक साइन बोर्ड दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको उनको पहले साइन बोर्ड दिखा देता हूँ। तो पहले ये साइन बोर्ड है बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर, देख सकते हो लिमिटेड NHRCL, देख सकते हो बुलेट ट्रेन का सिंबल भी यहाँ पर है। ये जो है कास्टिंग यार्ड है, आप पूरा देख सकते हो, ये बुलेट ट्रेन स्टेशन का ही एरिया है पूरा, ये देख सकते हो पूरा। वहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी आगे जाकर, ये पूरा कास्टिंग यार्ड ही है, देख सकते हो ये सेक्शन 4। बस इतना ही मैंने आपको बताया बुलेट ट्रेन स्टेशन वापी का पूरा व्यूज़, मैंने आगे का पीछे का पूरा व्यूज़ आपको बताया। वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी नई नई लेटेस्ट वीडियोज़ में बनाते रहता हूँ। सो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय जय हिंद, जय भारत।